आपने सरदार पटेल जी की बात की तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जय सरदार, जय भवानी, जय भीम। अभी आपने मुझे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की फोटो दी। सरदार पटेल जी की बात हो रही है, सरदार पटेल जी की बात हो रही है, मैंने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की भी बात जोड़ दी। इसका एक कारण है, सरदार पटेल जी ने और कृष्ण कुमार सिंह जी ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया। कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपनी जमीन हिंदुस्तान को दी, सरदार पटेल जी ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया, और जो जमीन महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने जी हिंदुस्तान को दी वो सरदार पटेल जी ने हिंदुस्तान के लिए ली। अजीब सी बात है, नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की बात करते हैं, मूर्ति बना रहे हैं सरदार पटेल जी की, मगर जो काम सरदार पटेल जी ने किया और जो काम कृष्ण कुमार सिंह जी ने किया उसके बिल्कुल दूसरे रास्ते में मोदी जी चल रहे हैं। एक तरफ इन्होंने किसान को अधिकार दिया, किसान को जमीन देने का काम किया, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 6.5 लाख एकड़ आपसे छीनकर गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों को दिया। 33,000 करोड़ रुपए अगर आपके कॉलेजेस में डाल दिए होते, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में डाल दिए होते, और मैंने भैया सिर्फ एक उद्योगपति की बात की है, ऐसे उनके 10-15 मित्र हैं, उनके साथ हवाई जहाज में जाते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, सूट पूट वाले। अच्छा, एक बात पूछता हूं, 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आप सबको लाइन में लगा दिया, खड़ा कर दिया। मित्रों, 500 रुपए का, 8,000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, आप सब जाइए लाइन में खड़े हो जाइए, और पूरे देश को लाइन में लगाया। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने नरेंद्र मोदी जी के सूट पूट वाले मित्र देखे? अच्छा, बैंक के अंदर अगर आपने झांका होता तो आपको दिखाई देता कि हिंदुस्तान के सब चोरों ने अपने काले धन को नरेंद्र मोदी जी की मदद से सफेद में बदल दिया। तैंतीस हजार करोड़ रुपए एक उद्योगपति को। और जब आप सपना देखते हो, मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग सपना देखते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप जाओ कॉलेज में, कॉलेज के अंदर जाने से पहले एक बात याद रखना, 10-15 लाख रुपए अपने साथ ले जाना, नहीं तो भैया गुजरात में आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बीमार हो,
एमआरआई की जरूरत पड़े, एक्सरे की जरूरत पड़े, दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो जाए तो ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो अस्पताल अंदर से पहले, अंदर जाने से पहले 10-15 लाख रुपए अपने जेब में ले जाना। वैसे ही गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहा था एक देश एक टैक्स, पता लगा गब्बर सिंह 5 तरीके की गोली मारता है अलग अलग। 3 फॉर्म भरो हर महीने और 28% टैक्स दो। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से गुजरात को बचाना है। आप इस प्रदेश को चलाते हो, जो भी इस प्रदेश में है आपने दिया है। गुजरात के किसानों ने, गुजरात के छोटे दुकानदारों ने, गुजरात के मजदूरों ने, गुजरात के व्यापारियों ने, जो हीरो का काम करते हैं उन्होंने, जो कपास उगाते हैं उन्होंने, जो मूंगफली उगाते हैं उन्होंने, मोदी जी की अगर आप बात सुने तो आपको लगेगा कि गुजरात में कोई है ही नहीं, बस एक ही व्यक्ति है जो पूरे प्रदेश को चलाता है, एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ करता है, मगर यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि आपकी शक्ति से गुजरात आगे बढ़ता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण। न्यूजीलैंड की सरकार ने मुझे बुलाया, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, प्रेजेंटेशन दिया। सब जगह दूध एक्सपोर्ट करते हैं, नक्शा लगा था दीवार पे, दुनिया का नक्शा था। मैंने देखा सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, एक देश में नहीं हो रहा है। कौन सा देश? हिंदुस्तान। मैंने उनसे पूछा, बताए भैया बताइए बात, आप अपना दूध सब देशों में बेचते हो, हिंदुस्तान बड़ा देश है, इसमें आप क्यों नहीं बेच रहे हो? जवाब आता है, राहुल जी आनंद की जो महिलाएं हैं उनसे हम कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, उनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं। बाकी दुनिया में हम अपने दूध को बेच सकते हैं, मगर हिंदुस्तान में आनंद का, अमूल का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। यह आपकी शक्ति है। आपके दो नेताओं ने, सरदार पटेल जी और गांधी जी ने दुनिया के सुपर पावर को भगा दिया था। आपका इतिहास है, जो भी हुआ है पिछले 22 साल 5-10 लोगों के लिए हुआ है। नाम आप जानते हो। फिर मोदी जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नोटबंदी हुई, गब्बर सिंह टैक्स आया, सब बिजनेसेस बंद हो गए, जबरदस्त नुकसान हुआ। और एक चमकता हुआ बिजनेस जादू का उठता है, 3 महीने में उठता है। 50,000 रुपए को 3 महीने में जय शाह ने 80 करोड़ में बदल दिया। अमित शाह का पुत्र 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो कहते थे मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है।
उल्टा पार्लियामेंट बंद कर देते हैं, कहते हैं गुजरात के चुनाव से पहले पार्लियामेंट नहीं खुलेगा। राफेल डील के बारे में और जय शाह ज्यादा खा गया उसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हो जाएगी तो सच्चाई बाहर निकल आएगी, गुजरात के चुनाव में नुकसान होगा। मगर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। मंत्रियों को भेज रहे हैं, एमपीज को भेज रहे हैं, 60-70 लोग हर डिस्ट्रिक्ट में आगे पीछे, मोदी जी के भाषण, यूपी के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सब आए, उनके पास सब कुछ है। हिंदुस्तान की सरकार, पुलिस, यूपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, हरियाणा की सरकार, पैसा, सब कुछ। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, गुजरात की सच्चाई, और कुछ नहीं हमारे पास, और कुछ नहीं है, और हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। जितना पैसा आपको लगाना है, चोरी का पैसा आप लगाइए, जितने लोगों को आप यहां लाना चाहते हो लाओ, मगर अंत में गुजरात में गुजरात की सच्चाई की जीत होने वाली है। दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, मैं आपको सलूट करना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। कुछ ही दिन बचे हैं, लड़ जाओ, पोलिंग बूथ पे लड़ो, गांव में लड़ो, शहरों में लड़ो, सड़कों पे लड़ो, आपकी सरकार आने वाली है। घबराओ मत, खड़े हो जाओ, आपकी सरकार आएगी।